छोटे से बाल गोपाल जब अपने घर आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि उनका जो सेवादार है या उनकी मैया है या भाई बहन है या उनके सखा है किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा में रम जाते हैं, जो कि शुरुआत में लगता है कितना डर। अब वो लाला को सुबह इस तरीके से जगाते हैं, प्रेम से उनका स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा में करते हैं बहुत बड़ी गलती। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा में रात्रि से आप लोग जो शाम से सुबह बहुत सुंदर श्रृंगार स्नान इस प्रकार से आप लोग कराते हो, चंदन से स्नान कराते हो, सुंदर सा श्रृंगार करते हो, लेकिन क्या गलती आप लोग शाम को करते हो लाला को शयन कराने के समय। जी हाँ, आपने बहुत ही सुंदरता से इस प्रकार से लड्डू गोपाल को स्नान कराया और उनका श्रृंगार कर दिया। इस प्रकार से सुंदर श्रृंगार करने के बाद में देखिए अब बारी आ जाती है सुबह से जो शाम के समय लड्डू गोपाल का श्रृंगार हटाने की, उनसे आज्ञा लेकर के उसको उतारने की। खेल खिलौने इस प्रकार से उनकी चौकी पे आपने सजाए, बहुत सुंदरता से सजाए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब उन्होंने वीडियो में तो देख लिया है कि लड्डू गोपाल को शयन कराया जाएगा, लेकिन शयन कराने में वो लोग करते हैं बहुत बड़ी गलती। जो पोशाक लड्डू गोपाल ने सुबह से पहनी होती है, धारण की होती है, उसी पोशाक में बहुत ज़्यादा होता है तो वो माले हटा देते हैं, नहीं तो बस उसी पोशाक में वो लड्डू गोपाल को शयन करा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपने जो सुबह लड्डू गोपाल को इस प्रकार से श्रृंगार किया है, खेल खिलौने हैं, देखिए इस प्रकार से आपको खेल खिलौने, लड्डू गोपाल की जो आपने पगड़ी पहनाई हुई है, आपने जो उनको केश लगाए हुए हैं, आपको उनका श्रृंगार उनसे आज्ञा लेकर के ये कहते हुए कि आप अगले दिन उनका और सुंदर श्रृंगार करेंगे, कहते हुए लाला को मनाते हुए आपको उनका श्रृंगार जो है वो हल्का करना होता है। अब बहुत सारे लोग बहुत हल्का सा माला, जिस प्रकार से देखिए मेरे बिहारी लाला ने वैजंती माला पहना हुआ है, उसी प्रकार से आपको भी उनको एक बहुत छोटा सा हल्का माला अवश्य पहनाना होता है, लेकिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार ज़रूर उतारना होता है। जो उन्होंने सुबह से पोशाक धारण की हुई है उसको आपको उनको पहना करके शयन नहीं कराना होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए लड्डू गोपाल ने सुबह से जो पोशाक धारण की है वो छोटे से बाल गोपाल हैं, आप उसी पोशाक में उनको शयन नहीं करा सकते हैं। जी सारे खेल खिलौने हटाने के बाद में उनकी जो श्रृंगार है, पोशाक है, आपको हटानी होती है बहुत ही आराम से, बहुत उनको मनाते हुए, क्योंकि लाला बहुत छोटे नटखट हैं और उनके खेल खिलौने उनके पास से जब हटते हैं तो उनको भी ये चीज़ वो नहीं जल्दी मानते हैं कि खेल खिलौने उनके पास से हटें, इसीलिए मन में उनसे प्रार्थना करते हुए बहुत ही प्रेम से आपको उनको इस प्रकार से उनकी जो पोशाक है वो हटानी होती है। फिर बात आ जाती है कि अब लोगों ने ये तो देख लिया है वीडियो में कि उनको लड्डू गोपाल को शयन कराना है, लेकिन शयन की जो प्रक्रिया है वो अब भी वो नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए इस प्रकार से मैं सारी जो पोशाकें हैं जो सुबह से लड्डू गोपाल ने धारण की है मेरे लालाओं ने, उसको मैं बदल दूंगी, और लाडली जू का श्रृंगार हटाने से पहले इस प्रकार से उनसे आज्ञा लेने के बाद कभी भी कैमरे में उनका एक मांग टीका भी आपको नहीं हटाना होता है, कुछ भी किसी को बहुत पर्दे में उनका श्रृंगार उतारा जाता है, हटाया जाता है उनसे आज्ञा लेने के बाद। और इस प्रकार से देखिए एक छोटी सी बॉल और लाला का जो ये खिलौना है जो कि उनको बहुत प्रिय है, बस वो ही मैं रात्रि में उनके पास में रखती हूँ। और अब हो चुकी है शाम, हो चुका है समय दिया बाती का, इस प्रकार से शाम की जो दिया बाती है वो हो जाता है, और अब आपको जो लाला को आप भोग लगाते हो लड्डू गोपाल को, चाहे आप हल्का भोग उनको दूध का लगाइए, दूध के साथ मिष्ठान का लगाइए, भोजन का लगाइए दाल चावल का। अब इस प्रकार से उनको भोजन कराने के बाद में आपको करनी है लड्डू गोपाल की इत्र सेवा। इत्र आपका बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए तो ही आप लाला को इत्र लगाइएगा, नहीं तो आप हल्का देसी घी से भी लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। मालिश भी ना करें तो आप उनके हाथ पैर को हल्के हाथों से ज़रूर दबाएं।
तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लड्डू गोपाल की जो पोशाक है वो आपको सुबह की पोशाक जो लाला ने पूरा दिन जिसमें खेला है, वो छोटे हैं पूरे घर में डोलते हैं, गैया चरा के आते हैं, तो सुबह की जो पोशाक है उसको ज़रूर बदल के इस तरीके से हल्के स्लीपिंग सूट पहना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।